okay hi everyone so today let's uh, discuss one interesting problem so it says in discussing doppler effect we use the word apparent frequency does it mean that the frequency of the sound is still that of the source and it is some psychological phenomena in the listener's ear that gives rise to doppler effect think for the observer approaching the source and for the source approaching the observer fine so what is the frequency of sound and what is apparent frequency एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए लेट मी राइट द डेफिनेशन देन हम डिस्कस करते हैं वट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट इज नंबर ऑफ वेव साइकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स पर सेकेंड राइट एंड व्हाट इज अपेयरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वेव साइकिल्स रिसीव्ड बाई द ऑब्जरवर पर सेकेंड ना वट इज़ वन वेव साइकिल इस तरह से जब एक वेव कंप्लीट हो जाता है ना सो उसे हम वेव साइकिल कहते हैं एक वेव साइकिल कहते हैं राइट ना यू कैन सी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कंप्लीटली डिपेंड करता है सोर्स पे बिकॉज सोर्स इज प्रोड्यूसिंग द वेव्स राइट सो so, कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे एक सेकेंड में दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोर्स राइट सो वी कैन से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इट सेल्फ राइट नाउ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स एंड ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन पे कितने नंबर ऑफ वेव साइकल्स ऑब्जर्वर को रिसीव होते हैं एक सेकेंड में वो डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स पे लेट मी टेक सम एग्जांपल आप देखो से हमारे पास एक ऑब्जर्वर है एंड एक सोर्स है नाउ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है दैट इज कांस्टेंट दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है ना कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होते हैं एक सेकंड में वो तो चेंज नहीं होगा बट लेट्स से सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स और बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर सो उस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वेव साइकल्स होंगे रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर पर सेकेंड वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इन वन सेकेंड राइट सो वी कैन से जो अपेयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना दैट विल भी हायर दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जरवर जितने वेव्स एक सेकेंड में प्रोड्यूस होंगे राइट एंड जितने वेव्स ऑब्जरवर को रिसीव होंगे एक सेकेंड में दैट विल भी डिफरेंट जितने वेव्स रिसीव होंगे दैट विल भी हायर देन जितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे राइट सो दैट्स वाई एनी वे सो लेट्स चेक द क्वेश्चन डज इट मीन दैट फ्रीकुन्सी ऑफ द साउंड इज ए स्टिल दैट ऑफ द सोर्स ऑफकोर्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज सम साइकोलॉजिकल फेनोवेना नो इट इज नॉट एनी साइकोलॉजिकल फेनोवेना रेदर इट इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जरवर राइट की जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लाइट लेट वी नो यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके इसकी वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय